हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल मिलाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं तो मानकर चले कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं यह तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा। आइए जानें आपके काम की 12 बातें। जब रात को खाना बना ले तो तवे को धोकर रखें। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, जैसे कि हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना ले। अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दे जहाँ से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि दिखे नहीं, यानी उसे अलमारी में रखें, खुले नहीं रखना चाहिए। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। कभी भी खाना बनने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर ना रखें। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें, इससे होने वाली छन की आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का शोर पैदा कर सकती है। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें, इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों, तवे कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें, हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। दोस्तों, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होते जाएंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ बहुत सम्मान योग्य वस्तुएं हैं। तो दोस्तों, आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में धन संपत्ति आए, समृद्धि आए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।